नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। IT कानूनों के तहत भारत सरकार ने टिकटॉक और UC ब्राउजर समेत 59 चीनी एप्लीकेशन को किया बैन। संप्रभुता और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था यह निर्णय। बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी। सहकारी बैंकों को RBI की निगरानी में किया गया शामिल। धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के चलते लिया गया यह अहम फैसला। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद के चलते भारत ने 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत टिकटॉक, UC ब्राउजर, UC न्यूज जैसे 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर उपजे बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच 29 जून को यह बड़ा फैसला किया गया। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिनों पहले ही चीनी ऐप्स की एक सूची तैयार कर केंद्र सरकार से उन पर रोक लगाने की अपील की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके पीछे दलील दी थी कि चीन इन ऐप्स के जरिए भारतीय डेटा हैक कर सकता है। भारत सरकार के इस अहम फैसले के बाद आज यानी 30 जून को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता होने वाली है। इसके पहले 22 जून को भी दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा रेखा के करीब चीन के हिस्से में स्थित चुसुल के मोल्डो में आयोजित की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के जरिए सभी शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण में लाने की तैयारी है। इसके साथ ही साथ खाता धारकों के हितों की रक्षा और प्रशासन में सुधार से सहकारी बैंकों को मजबूत भी किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला धोखाधड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनज़र लिया है। फैसले के पीछे तमाम कार्डों में साल 2019 का पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला भी शामिल है। आपको बता दें कि अभी तक सहकारी बैंक RBI और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे, जिसके चलते विनियामक और पर्यवेक्षी त्रुटियां हो जाया करती थी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सहकारी बैंकों के पुनर्निर्माण से जुड़ी प्रवर्तनी योजना बनाने का भी अधिकार नहीं था। हालांकि इस अध्यादेश के अधिनियमित हो जाने के पश्चात देश के तकरीबन 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की निगरानी में आ जाएंगे। मतलब साफ है कि अब RBI की शक्तियाँ जैसे ही अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, उसी तरह अब सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। गौरतलब है कि सहकारी बैंक वे छोटे वित्तीय संस्थान हैं जो शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर सहकारी बैंक अपने सदस्यों को अनेक प्रकार की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आपको यह भी बता दें कि सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और RBI के बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955 के तहत विनियामक के दायरे में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के जरिए राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता को 2 गुना कर 4000 से 8000 किया जाएगा। यह सर्वे राज्य के हर घर में डोर टू डोर किया जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में तकरीबन 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। दैनिक आधार पर 15,000 से 20,000 नमूनों को एकत्र कर परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि 29 जून तक राज्य में 2,545 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक तकरीबन 3,44,000 परीक्षण किए जा चुके हैं। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून 2020 को 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया। भारत सरकार ने साल 2007 में प्रतिवर्ष 29 जून को
प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। महालनोबिस ने साल 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, जो 1959 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के जरिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान बन गया। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का असली मकसद है। साल 2020 में इस दिवस की थीम SDG 3 यानी स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, और SDG 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाए रखा गया है। राजनीतिक दल फियाना फाल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया। आयरिश संसद के निचले सदन की विशेष बैठक में 27 जून को डबलिन में हुए मतदान में मार्टिन को प्रधानमंत्री चुना गया। इस मतदान में 93 मत मार्टिन के पक्ष में जबकि 63 मत विपक्ष में डाले गए। आपको बता दें कि आयरिश प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मार्टिन के साथ हुए ऐतिहासिक गठबंधन समझौते के तहत नवगठित सरकार में वराडकर उप प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि इसी समझौते के तहत वराडकर 2 साल बाद पुनः प्रधानमंत्री होंगे। लियो वराडकर फाइनल गेल पार्टी के नेता हैं। हाल ही में इंग्लैंड के नाइजेल लोंग के स्थान पर भारतीय युवा अंपायर नितिन मेनन को 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया। नितिन मेनन ICC के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर होंगे। मेनन का चयन ICC के महाप्रबंधक जोफ एलरडाइस, कमेंटेटर संजय मांजरेकर और मैच रेफरी रंजन मधुगले और डेविड बून की चयन समिति में किया गया। इसके पहले नितिन मेनन अंपायरों के एमिरेट्स ICC अंतर्राष्ट्रीय पैनल का हिस्सा थे। पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद इस सूची में जगह बनाने वाले नितिन मेनन तीसरे भारतीय हैं। 36 वर्षीय नितिन मेनन ने प्रथम श्रेणी के 57 मैचों के अलावा 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 40 IPL मैचों में अंपायरिंग की है। हाल ही में भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटान सरकार और खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी के बीच एक जल विद्युत परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यह अहम फैसला भूटान के विदेश मंत्री डॉ. तंडी दोरजी और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। आपको बता दें कि इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है, जो पूर्वी भूटान के त्रासियांगत्से जिले में खोलोंगछू नदी की धारा पर होगी। इस परियोजना को 2025 तक पूरी करने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने बीते साल 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भारत सरकार के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भूटान के ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 20 जुलाई तक पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाएगा। मंत्रालय यह उम्मीद करता है कि सभी अधीनस्थ और अकादमी में या अपने आसपास संभावित जगहों पर अवश्य ही पेड़ लगाएंगे। मंत्रालय ने इस पर्व के दौरान बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल जैसे अहम पेड़ों को प्राथमिकता दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।